हेलो गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट एजुकेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिशतता। तो आपको वीडियो पूरा देखिए, आपको पसंद आए, आपको लगता है बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो परसेंटेज के बारे में देखेंगे, क्या होता है परसेंटेज, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, टाइमेनबर्ग से पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने दिया है, जैसे कि राहुल पटेल जी द्वारा सही आंसर दिया गया था और नीरज द्वारा आंसर उनका गलत था, पर उन्होंने कोशिश की, इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर आप क्वेश्चन नहीं बनता है, आप गलत आंसर भी देते हो, तब भी आपको करना चाहिए। जब आप कोई गलती करते हो तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको पता पड़ेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, तो इस वीडियो में मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था टाइमेनबर्ग से, उसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आपने मेरे टाइमेनबर्ग के सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको ये आसान लगेगा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी 10 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। ये दोस्तों यहाँ पर कितना, 18 दिन काम कर रहा है और बी 15 दिन में कोई काम कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 90 आ जाएगा। अब 90 आ गया, ये टोटल वर्क हो गया। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो 18 पहिए 90 और 15 छिंग 90, तो इस तरीके से ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है कि बी 10 दिन काम करता है, तो बी यानी इसकी एफिशिएंसी है 6, इन्होंने 10 दिन काम किया तो 10 × 6 बराबर हो जाएगा 60। तो 60 इसने 10 दिन में काम कर लिया, टोटल वर्क था 90, 60 तो बी ने काम कर लिया, तो बचा हुआ वर्क कितना, 30 बचेगा। अब 30 जो शेष बचा हुआ वो कौन करेगा, शेष ए अकेला। अब ए की एफिशिएंसी है 5 तो, और 30 बचा हुआ वर्क है, तो आप क्या करोगे, 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना, 5 × 6 = 30, तो 6 डे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस ऐसे क्वेश्चन को करना है। चलिए आज अब हम बात करते हैं परसेंटेज। वैसे तो आपको सभी को पता होगा कि परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशतता क्या होती है, फिर भी हम जान लेते हैं। परसेंटेज मतलब होता है 100। आप किसी भी संख्या का एक बात की जाए कंपेयर करते हो तो उसका परसेंटेज जो करते हो वो 100 से निकालते हो किसी भी संख्या का। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 50% को फ्रैक्शन में आपको बदलना है तो क्या करोगे आप, इसे 50/100, परसेंटेज हटेगा तो बीचे नीचे 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अगर मैं बात करूं 25%, तो 25% मतलब 25/100 यानी आ जाएगा 1/4। तो ये जो है इस तरीके से आपको फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है परसेंटेज में निकालना है तो क्या आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैं 1/3 × 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.33%, इतना आ जाएगा। अगर मैं 1/4 इसका परसेंटेज निकालता हूँ तो 100 का मल्टीप्लाई करूँगा यानी ये हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करना है। अब कुछ हम कन्वर्जन देख लेते हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है तो आप किस तरीके से सिंपल वे से उसका कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपको एक जो परसेंटेज है उसमें जो फ्रैक्शन है और उनकी जो मान है वो आपको याद रखना चाहिए, कम शुरू से एक से लेके ना ही कम से कम आपको 20 तक ये नाम, ये जो है मान आपको याद रखनी। जैसे कि मैं बात करूँ 1/2 = कितना, 50%, 1/3 = 33/3%, इस तरीके से ऐसे आपको कम से कम 20 तक आपको याद रखना है। 1/20 कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा 5%, इस तरीके से तो काफ़ी आपको आसानी होगी। देखो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि एक संख्या ले लेता हूँ मैं 11/7, अब इसको क्या करना है आपको,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ पे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसे 7 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज में हो जाएगा। अब इस तरीके से आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर एक से पहले 7 से करता हूँ तो कितनी एक बार जाएगा, प्लस बचा हुआ कितना 4/7। इस तरीके से अब 4/7 तो ये हो गया। अब एक जो मान है वो क्या 100% के बराबर है, क्योंकि आप क्या इसमें भी एक बात की जाए तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई तो करोगी, जैसे कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे देखोगे ये कितना हो जाएगा 100% प्लस। इसमें अब ये 4 आप हटा दो, 1/7। 1/7 कितना होता है दोस्तों, 1/7 होता है 14/2/7। तो 14/2/7, तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 1/7 होता है 14/2/7। अब आप देखोगे 1/7 का तो इतना मान है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौक कितना होता है 56, 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 यानी 7, एक बार और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 57/7। इस तरीके से तो 57/1/7 तो ये आ गया, और आगे क्या था 100 था। ओके, तो 100 + 57/1/7, तो आप जब इसे जोड़ोगे तो कितना 100 ये हो जाएगा 157/1/7%। इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन करना है। जैसे अगर नेक्स्ट वैल्यू लूँ मैं 31/6 ले लेता हूँ, तो आप देखोगे इसे कितने ये 5 बार जाएगा, बचा कितना 1/6। 1/6 कितना होता है दोस्तों, 16/2/3%। ये होता है 16/2/3% होता है, ये है 5, तो यानी 500% ही हो जाएगा। अब 16/2/3 है तो 16 इसमें ऐड करोगे तो कितना 516/2/3%। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक तरीके से बेसिक है, आप आसानी से निकाल सकते हो परसेंटेज को और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, तो बी का ए का एक्स परसेंट है तो एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए ए का कितना 80%, का मतलब होता है इनटू, ये कितना है 80% है, बी का 50% है। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ही हटाता हूँ तो यहाँ पर ये 100 100 दोनों तरफ लगा दूंगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 0 से 0, तो ए अपॉन बी का वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8। 5/8 जो है इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी बराबर ए का एक्स यानी मल्टीप्लाई एक्स परसेंट, यानी मैं मान लेता हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स परसेंटेज को। अब यहाँ पे देखोगे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। ओके, तो वैल्यू पुट करोगे आप तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, ए को इधर, ए को ले लेता हूँ यहाँ से हटा के, और 100 भी इधर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इजक्ल टू बी अपॉन ए इंटू 100। अब ए अपॉन बी कितना था दोस्तों, ए अपॉन बी था 5/8, तो इसका उल्टा यहाँ पे लिख दो, क्योंकि बी अपॉन ए है तो ये कितना 5 8/5 × 100, तो ये 2 बार चला जाएगा और 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160। तो 160 जो रहेगा वो एक्स का मान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितने होगा। कोई संख्या दी हुई है, ये मैं मान लेता हूँ एक्स संख्या, इसका 20% 20% किसके बराबर है दोस्तों, 120 के बराबर है। तो अब देखोगे यहाँ पर मैं परसेंटेज हटा दूंगा यहाँ से, तो देखोगे ये 0 से 0, 2 छंग यानी 60 हो गया, 10 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 600, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर दूसरे मेथड की मैं बात करूं तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि किसी संख्या का 20% 20% जो है वो किसके बराबर है 120 के, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1% की आ जाएगी 6, 1% की 6 वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है 120 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर 120 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप देखोगे ये कितना 120% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ये सॉरी ये 6 था, 120 12 6 72 यानी ये 720 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 720। ओके,
पहले मैंने शायद रॉन्ग आंसर कर दिया था, तो ये क्या 20% इक्वल टू 120 अपॉन 100, तो ये अब देखोगे ये 60 आ जाएगा, 60 सॉरी 6 आ जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, देखो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, तो 600 ही आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 600। अब 600 का 120% निकालना था, तो ये मैंने निकाला नहीं था। ओके तो यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ, 600 का 120% जो रहेगा वो हो जाएगा 720। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको सीधा क्या एक फॉर्मूला याद रखना है। कैसा फॉर्मूला, फॉर्मूला या बेसिक आप याद रखें, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ पहले और फिर मैं एक दूसरा मेथड बता दूंगा इसको करने का। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेस यानी कम, तो मैं लेस परसेंटेज निकालना हो तो आर अपॉन 100 + R × 100। जब कम पूछा जाए तो यहाँ पर क्या प्लस आना चाहिए, अगर अधिक पूछा जाए यानी मोर पूछा जाए परसेंटेज, तो आर अपॉन 100 − R × 100। तो बस यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है, अगर कम पूछा जाए तो नीचे प्लस आएगा और ज़्यादा पूछा जाए तो माइनस आएगा। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि क्यों, देखो यहाँ पे लेस पूछा जा रहा है, तो किसी भी संख्या में अगर ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो वो कम आएगी, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, लेस पूछा जाए तो प्लस आएगा, अगर ज़्यादा पूछा जाए तो किसी संख्या में नीचे में घटाओगे और आप उसको डिवाइड करोगे तो वो ज़्यादा संख्या होगी, तो इस तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ओके तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कम पूछा गया है तो लेस परसेंटेज बराबर, अब आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये दी हुई है आर, तो आप देखोगे 12 से 1/2 का वैल्यू कितने हो जाएगा, ऐसे 12 × 24 एक 25, 25/2 अपॉन 100 + 25/2 × 100। तो इसे आप सॉल्व करोगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ये, और प्लस 225, 225/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 225/225 × 100। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 100/9 कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% जो रहेगा वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें दूसरे मेथड की, तो ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 25/2 × 100। तो आप देखोगे 4 यानी 1/8। ओके 1/8 इसका, इस तरीके से फ्रैक्शन निकाल दिया मैंने। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो वैल्यू है अधिक, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो वो क्या किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर राम की, राम की जो है वो 9 है, अब श्याम की कितनी है 8 है, श्याम की 8 है। ओके क्योंकि एक ज़्यादा है तो राम की हो गई, अब कम है तो 8 नीचे वाली श्याम की हो गई, तो आप देखोगे 8 तो ये हो गई, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है 1 का, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, राम से, तो 1/9 × 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 सही 1/9%। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। तो सिंपल सा है दोस्तों, कौन सी संख्या, अगर यहाँ पर 100 के यानी 90% को मैंने 90/100 कर दिया, अब 40% कम है, 40% कम मतलब कितने में, 100 में से, तो 100 − 40/100। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कितना है, ये जी 100 से 100 कट जाएगा, 90 × ये कितना 60/100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 × 56, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 54, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% हो तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा।
बड़ी संख्या छोटा संख्या का अनुपात पूछा है। पहले क्या बोला गया, दो संख्याओं का अंतर। मैं मान लेता हूँ दोनों संख्या क्या, एक्स और बाई संख्या है। तो एक्स और बाई का अंतर किसके बराबर है दोस्तों, उनके योग के 15%, यानी इसका 15%, 15% है। तो मैं परसेंट हटा के यहाँ पे क्या नीचे 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो आप देखोगे कितना, 5 × 15 और 5 × 20 यानी 20 आ जाएगा। 20 का मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 20x-20y=, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x-4 सॉरी प्लस और 3y। तो ये कितना, 20x-20y=3x+3y। तो 20x-20y=3x+3y। देखो इधर ले जाऊंगा मैं इसको, तो क्या प्लस का 3x है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 20 में से 3 घटाओगे तो 17x बचेंगे। अब इधर क्या, ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, तो 20+3 यानी 23y हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या क्या है, 23 है, छोटी संख्या 17 है, तो कितना हो जाएगा, x/y = 23/17। तो 23/17 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो, बात करें किसी कैसे भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो, अगर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई ना, तो आपको वो आसान लगेंगे क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो उसकी लैंग्वेज क्या है, क्या चाहता है, तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन को। तो आपको अर्थमेटिक के कोई भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है हर जगह यूज हो जाता है। आप बात करें प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, CISI देख लो, पार्टनरशिप देख लो, रेशियो देख लो, अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं ना, वहाँ पे परसेंटेज यूज होना ही होना है। डायरेक्ट और या तो डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट यूज होते हैं। ओके, तो परसेंटेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है अर्थमेटिक के चैप्टरों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए अनुपात बी क्या होगा। यानी ए का 60% इंटू इस तरीके से लिख दूंगा बराबर बी का 3/4। तो आप देखोगे इन दोनों का रेशियो निकालना है, सिंपल सा है, ये 2 से ये 0 से जी कट जाएगी और ये 3 × 2 = 6 ये हो जाएगा, 2 × 5 = 10 ये हो जाएगा। तो आप देखोगे 5 इधर जाएगा, 20 इधर, बी इधर आ जाएगा। तो a/b = कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4,500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देखना है। ओके, इसके आंसर ऑप्शन भी दे दिए हैं इस बार मैंने, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। और इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। एक बात करें जो सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, और तो आपको खुद ही पढ़ना है। ओके, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस, एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो आपको एक बात की जाए करनी चाहिए। और संडे को मैं टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसकी मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या, आप पिछले बात करें तो मेंसुरेशन के किए थे, और इससे पहले फिर हमने टाइम एंड वर्क देखा था। तो अगला जो संडे आना वाला है, तो उसमें मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को पोस्ट करूँगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन पोस्ट करना है, क्योंकि आपको खुद तो पता पड़े कि आप कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। एक ईमानदारी से आपको उन क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। और अगर आप को नहीं बन रहे तो आप पूछिए, मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा आपको। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 3 लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया होगा और एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए आप आसपास सफाई रखिए, पानी को बचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।